अहमदाबाद वनडे में विराट कोहली के फ्लॉप होने के बाद श्रीलंका के एक पत्रकार ने विराट पर अनाप शनाप बातें कही। श्रीलंकाई पत्रकार ने विराट को इतिहास का सबसे ओवररेटेड खिलाड़ी बताया। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में सूर्य कुमार यादव ने खेली संयम भरी पारी। सूर्य कुमार ने 64 रन बनाकर टीम के स्कोर में किया इजाफा। केएल राहुल भी 49 रन बनाने में रहे कामयाब। आईसीसी की ताजा मेंस वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा पहुंचे विराट कोहली के करीब। वनडे रैंकिंग में विराट दूसरे और रोहित तीसरे नंबर पर कायम। पाकिस्तान के बाबर आजम आईसीसी के बल्लेबाजी वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर। वनडे में बाबर आजम के नाम 3985 रन। आर अश्विन ने सोशल मीडिया पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कही बात। अश्विन के मुताबिक वो आईपीएल में सीएसके टीम के साथ फिर से खेलना चाहते हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने एकमात्र T20 मैच में 18 रन से दी शिकस्त। ये मुकाबला क्वींसलैंड के मैदान पर खेला गया। 12 फरवरी से होगी वनडे सीरीज की शुरुआत। वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट ने सोशल मीडिया के जरिए खुशखबरी शेयर की। ब्रैथवेट पहली बार बने एक बेटी के पापा। 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा बांग्लादेश। 18 मार्च से शुरू होगी टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने तोड़ी चुप्पी। जस्टिन लैंगर की जगह दूसरा कोच चाहते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। कमिंस ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ कोच के लिए की रिक्वेस्ट। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 सीरीज रद्द। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अगले महीने 3 T20 मैच खेले जाने थे। न्यूजीलैंड सरकार ने अब तक कोरोना से जुड़े नियमों में छूट नहीं दी। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। Beautifully played.